नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर हुई ऋतिक की भगवान शिव से तुलना। देश भर में 4 मार्च को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया गया। बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग अंदाज में फैंस को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस बीच सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है एक्टर ऋतिक रोशन। जी हाँ, उन्होंने ट्विटर पर फैंस को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते ही ट्विटर पर भगवान शिव के रूप में उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल धूम 2 एक्टर के फैंस ने फिल्म में भगवान शिव के किरदार के लिए उनको सबसे बेहतर बताया था। फैंस ने शिव के रूप में उनकी कई सारी तस्वीरें ट्वीट की थी। शिव के अलग अलग अंदाज में उनकी कई सारी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन सभी फैंस ने उनकी तस्वीर को शेयर करते हुए ये भी लिखा कि फिल्म में शिव के किरदार के लिए उनसे बेहतर कोई और रोल नहीं हो सकता है। बात करें ऋतिक रोशन की फिल्मों की तो काफी समय से वे सुपर 30 को लेकर चर्चा में हैं। उनके फैंस इस समय उनकी इस फिल्म के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले ये फिल्म साल की शुरुआत में रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी कारण के वजह से सुपर 30 की जो रिलीज डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया गया और जो फिल्म है वो पिछले काफी समय से लटकी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि अब ये फिल्म इस साल 26 जुलाई को सिनेमाज में रिलीज होगी। बता दें कि सुपर 30 विकास बहल की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। हालांकि विकास फिलहाल इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके हैं। ये फिल्म बिहार के टीचर आनंद कुमार के जीवन पर बनाई जा रही है। जाने माने शिक्षक यानी कि आनंद कुमार गरीब बच्चों को IIT के एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। ये फिल्म उन्हीं के जीवन पर बनाई जा रही है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच हुए विवाद को तकरीबन 3 साल बीत गए हैं, लेकिन विवाद को कंगना आज भी भूली नहीं है। और अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो 2019 में शामिल हुए एक्ट्रेस एक बार फिर से ऋतिक रोशन पर जमकर बरस चुकी हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच की जो नोकझोंक है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और सिर्फ बढ़ती जा रही है। तो देखा जाएगा ये नोकझोंक और किस रूप में सामने आती है और कंगना रनौत आगे कौन कौन से इल्ज़ाम लगाती है ऋतिक रोशन पर। लेकिन हमें ऋतिक रोशन की सुपर 30 का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसमें एक सोशल मैसेज है, एक सच्ची घटना पर आधारित है ये पूरी मूवी। तो लोग बेसब्री से जो ऋतिक के फैंस हैं इसका इंतजार कर रहे हैं। तो हम जल्दी लौटेंगे इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।